कल हमने सीखा था नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक, जो कि हमारी आईपी का फर्स्ट चैप्टर का नेटवर्क ही चल रहा है और उसकी आज थर्ड क्लास हो रही है, जिसमें हम टॉपिक सीखा था हमने नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक। ये तीन प्रकार की थी, थोड़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, जिससे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसी से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक क्या थी कि किसी भी एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस पर डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो किस मेथड से रिसीवर से सेंडर या सेंडर से रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन होता है, अर्थात एक दूसरे के डिवाइस में किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ट्रांसमिशन किया जा रहा है, उसको बताने की विधि क्या कहला रही थी हमारी नेटवर्किंग स्विचिंग टेक्निक। और ये तीन प्रकार की थी, सर्किट स्विचिंग, दूसरी मैसेज स्विचिंग, तीसरी पैकेट स्विचिंग। फर्स्ट थी सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग टेक्निक किस प्रकार की थी, इसमें दो फिजिकल कंप्यूटरों के बीच में कनेक्शन होना आवश्यक होता है। अगर दो कंप्यूटर आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। मींस कि दो कंप्यूटरों को किसी न किसी फिजिकल कनेक्शन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं। और सेकंड पॉइंट था कि इस प्रकार की सर्किट स्विचिंग में जो कम्युनिकेशन होता है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेलीफोन कम्युनिकेशन, हम टेलीफोन पर कम्युनिकेशन करते हैं तो जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले उन दोनों की कनेक्टिविटी होना आवश्यक होता है और फिर हमारे कम्युनिकेशन का सेंडर के पास फिनिश होता है, सेंडर का रिसीवर के पास, तो इन दोनों का आपस में एंड टू एंड कम्युनिकेशन चलता रहता है। ये पॉइंट सीखा था हमने किसमें, सर्किट स्विचिंग में। ये पॉइंट हमारा सर्किट स्विचिंग में हो गया था। नेक्स्ट आया था मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में हमने सीखा था कि इसमें डाटा को स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के आधार पर कम्युनिकेशन किया जाता है। जब हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई डाटा भेजना होता है तो पहले वो स्विचिंग ऑफिस में जाकर स्टोर होता है, उसके बाद सेंड्स द डाटा टू अनदर स्विचिंग ऑफिस, उसके बाद हम उस डाटा को किसी अनदर स्विचिंग ऑफिस के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे वह डाटा अपने डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। फिर हमने तीसरी सीखी थी पैकेट स्विचिंग। और इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारी स्विचिंग कौन सी थी, पैकेट स्विचिंग। इसमें क्या होता है कि एक बड़े डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है और उन स्मॉल पैकेट्स को ही, स्मॉल उसके पार्ट्स को ही हम क्या कहते हैं, पैकेट कहते हैं। और प्रत्येक पैकेट की जो लिमिटेड साइज़ होती है वो फिक्स होती है। क्लियर। अब किसी एक बड़े स्टोरेज एरिया को एक साथ अगर हम किसी पर सेंड करते हैं तो उसको भेजने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में भेजते हैं तो वे आसानी से पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको 100 बुक्स देता हूं और आपसे बोलता हूं कि इन 100 बुक्स को ले जाकर आप किसी दूसरे रूम में रख दें, तो आपको उन 100 बुक्स को एक साथ ले जाने में काफ़ी परेशानी आएगी, काफ़ी आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या होता है, हम उसके छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं और 4-4, 5-5 या 10-10 बुक करके रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें रखने में अर्थात हमारी वर्किंग प्रोसेस होने में टाइम कम लगता है। अगर हमें टाइम कम लगेगा तो हमारा एक्सेस टाइम भी कैसा होगा, कम होगा। और एक्सेस टाइम कम होगा तो परफॉर्मेंस उसकी कैसी होगी, बढ़िया होगी। अर्थात जब परफॉर्मेंस या प्रोसेसिंग
फास्ट होती है तब एक्सेस टाइम हमेशा रिड्यूस होता है। और थर्ड पॉइंट हमने इसमें सीखा था थ्रोपिट। थ्रोपिट क्या होता है? प्रति इकाई समय में किया गया काम, प्रति इकाई समय में की गई प्रोसेसिंग इसमें हमेशा बदलती रहती है कि एक यूनिट में कितना कार्य हो रहा है वो हर प्रोसेसिंग पर चेंज होता रहता है, अर्थात नेटवर्किंग में उसकी प्रोसेस इम्प्रूव्ड होती रहती है। यहाँ तक हमने सीख लिया था कल के टॉपिक में। आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आज इसको माइंड अप करेंगे पूरे नेटवर्किंग से रिलेटेड को, और नेक्स्ट हम लेके आएंगे जो हमारा टॉपिक होगा। तो चलिए अब आगे सीखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने है डिफरेंस बिटवीन मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। हमने आपको तीनों स्विचिंग समझा दी बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको फिर भी अगर डिफरेंस याद नहीं रहता है तो आप एक कॉलम में पूरी मैसेज स्विचिंग लिख दो, दूसरे कॉलम में पूरी पैकेट स्विचिंग लिख दो, ऑटोमेटिक दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? फिर भी हम देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट आती है हमारी मैसेज स्विचिंग और सेकंड हमारी पैकेट स्विचिंग। इन दोनों प्रकार की स्विचिंग को आपस में कंपेयर करना है कि किस चीज़ में क्या प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? तो चलिए, मैसेज स्विचिंग हमारी का फर्स्ट पॉइंट है देयर इज नो लिमिट ऑन ब्लॉक साइज। आप जानते हो कि इसमें ब्लॉक साइज होते ही नहीं है। जब पूरा डाटा एक साथ आता है तो उसकी लिमिट होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी डाटा आता है वो स्टोर हो जाता है और बाद में हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट तो यही हो गया कि देयर इज नो लिमिट ऑन ब्लॉक साइज। लेकिन अभी हमने पैकेट स्विचिंग में क्या सीखा था कि प्रत्येक ब्लॉक साइज की साइज लिमिट, स्टोरेज लिमिट कैसी होती है? फिक्स होती है। तो इस पैकेट स्विचिंग में क्या हो जाएगा? इट प्लेस अ टाइट अपर लिमिट ऑन ब्लॉक साइज, अर्थात सच एज फिक्स्ड साइज ऑफ पैकेट। जो भी हमारे पैकेट्स होते हैं उसकी साइज हमेशा कैसी होती है? फिक्स होती है। और सेकंड पॉइंट आता है हमारा डाटा पैकेट्स आर स्टोर्ड ऑन द डिस्क। इस पॉइंट को ध्यान से समझना दोनों में, क्योंकि ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों सेम है, बस थोड़ा सा बारीक अंतर है। चलिए, डाटा पैकेट्स आर स्टोर ऑन द डिस्क। डाटा जो भी हमारे पैकेट्स के रूम में आते हैं, ब्लॉक साइज के रूम में आते हैं, वो स्टोर कहाँ पर होती है? हमारी डिस्क पर होती है। डिस्क मतलब समझना आप हार्ड डिस्क, डिस्क मतलब समझना आपके मोबाइल की मेमोरी, जहाँ पर हम डाटा को एक बैकअप प्राप्त करने के लिए स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्टोरेज एरिया या डिस्क। तो मैसेज स्विचिंग में हमारे पास कोई भी डाटा आता है वो सबसे पहले स्टोर होता है और बाद में हम इसको फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो वो डाटा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब तक हमारे मोबाइल में रहेगा वो उसमें स्टोर रहेगा। तो ये इसमें कहा गया है कि जो हमारे डाटा पैकेट्स आते हैं मैसेज स्विचिंग में वो हमारी मेमोरी की किस में रहते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर रहते हैं। और जस्ट अपोजिट इधर आ जाइए, ऑल द पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज। फिक्स साइज तो हमने ऊपर ही देख लिया कि इसमें जितने भी पैकेट्स होते हैं उनका साइज कैसा रहता है? फिक्स रहता है। तो ऑल द पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज आर स्टोर इन मेन मेमोरी। ये पॉइंट आपके लिए मेन है। कौन सा वाला? मेन मेमोरी। अब सर मेन मेमोरी और डिस्क में क्या डिफरेंस हुआ? स्टोर तो दोनों जगह हो रहा है। तो आपके मोबाइल में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक मेमोरी होती है हमारी हार्ड डिस्क के रूम में, दूसरी मेमोरी होती है हमारी मेन मेमोरी के रूम में। तो कभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे हमने व्हाट्सएप ओपन कर लिया, समझना समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। क्लियर? मैं दूसरा एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। जैसे आपने व्हाट्सएप ओपन कर लिया
अब व्हाट्सएप ओपन है, आपने मोबाइल बंद कर दिया, तो अब क्या आप मेरे को बताएंगे जैसे ही हम मोबाइल चालू करेंगे तो व्हाट्सएप हमारा ओपन मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा, व्हाट्सएप हमें बंद मिलेगा। अर्थात वो व्हाट्सएप जो हमारा ओपन हुआ था वो डिस्क में ओपन नहीं था। फिर किस में ओपन था? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में डाटा तभी स्टोर होता है जब उस पर प्रोसेसिंग चलती है। तो मेन मेमोरी क्या करती है? डाटा को उसी टाइम स्टोर करती है जब वह प्रोसेसिंग में चल रहा होता है। जैसे मान के चलो कि आप किसी को डाटा भेज रहे हो, तो डाटा भेज रहे हैं तब वो मेन मेमोरी में स्टोर है, लेकिन भेजने के बाद हमारे पास डाटा पहुंच चुका है या हमने जहाँ से डाटा भेजा है वो डाटा हमारा कहाँ पर स्टोर है? हार्ड डिस्क में। क्लियर, समझ में आया? तो क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल में बहुत सारे क्या है एप्स डले हुए हैं, तो वो एप्स किस में स्टोर है? हार्ड डिस्क में। मोबाइल कितनी बार भी बंद हो जाए या चालू हो जाए, एप्स नहीं हटते हैं, एप्स अपनी जगह ही स्टोर होते हैं, क्योंकि वो हमेशा किस में रहती है? डिस्क में। और डिस्क एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डाटा हमेशा परमानेंटली स्टोर होता है। इज दैट क्लियर? लेकिन मेमोरी में डाटा तभी स्टोर होता है जब प्रोसेसिंग चल रही होती है, और जैसे ही मोबाइल बंद होता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग बंद हो जाती है, और प्रोसेसिंग बंद हो जाती है तो क्या होता है, वो डाटा भी क्लोज हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर? आप मेरे को बताओ ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? अगर आ गए हो तो हम थर्ड पॉइंट सीखते हैं, और नहीं आए तो आप मेरे को बताओ, मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ किसी अदर एग्जाम्पल के थ्रू। आ गए? चलो ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, एक्सेस टाइम ऑफ डाटा पैकेट्स इज लार्ज देन पैकेट स्विचिंग। अर्थात जो इसमें हमारा एक्सेस टाइम होता है वो डाटा पैकेट्स को एक्सेस करने में लार्ज टाइम लेता है, अर्थात ज़्यादा टाइम लेता है। अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर कि आप 100 बुक्स को मैं आपको दे दूं और यहाँ से बोलूं कि आप 1 किलोमीटर तक इनको लेके जाओ, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आपको जहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगती थी वहाँ आपको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पर वजन रखते जाएंगे उतनी आपकी स्पीड कैसी होती जाती है? स्लो होती जाती है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, आपको बैग फुल कर दिया जाए तो आपकी चलने की स्पीड उतनी ही स्लो होती जाएगी, लेकिन जब बिना बैग के आपको स्कूल भेजा जाए तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। तो वैसे इस पॉइंट में समझिए कि डेटा पैकेट्स इसमें क्या होता है, एक साथ जाते हैं, इसमें लार्ज डेटा पैकेट्स होते हैं, इसमें डेटा पैकेट्स की कोई लिमिटेशन स्टोरेज साइज नहीं होती है, इसमें हम जितना चाहें डाटा पैकेट्स को एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं। तो उस डेटा ट्रांसफ़र एक साथ जा रहा है, लार्ज हमारे पास स्टोरेज अमाउंट है, तो वो पहुंचने में भी उतना ही टाइम लेगा, जितना बड़ा डाटा होगा उतना ही पहुंचने में टाइम लेगा। तो पैकेट स्विचिंग की अपेक्षा इसका एक्सेस टाइम कैसा होता है? लार्ज होता है, क्योंकि इसमें डाटा भी कैसा होता है? लार्ज कैपेसिटी वाला होता है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं। एक्सेस टाइम ऑफ डाटा पैकेट्स इज स्मॉलर देन मैसेज स्विचिंग। ये जस्ट इसका अपोजिट हो गया कि जो हमारा मैसेज स्विचिंग में पैकेट थे, किसमें? जो हमारे मैसेज स्विचिंग में पैकेट थे उसकी अपेक्षा पैकेट स्विचिंग में डाटा का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें डाटा पैकेट्स को डिवाइड नहीं किया जाता है और इसमें हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमने जो हमारे पास डाटा था उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, अब उसको हमें एक्सेस करने में टाइम कैसा लगेगा? कम लगेगा, रिड्यूस लगेगा,
स्मॉल लगेगा क्या एक्सेस टाइम, क्यों? क्योंकि इसमें डाटा पैकेट्स का साइज छोटा है, और जब हमारे पास स्टोरेज अमाउंट कम होता है तब हमें पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और एक्सेस टाइम हमेशा कम लगता है। क्लियर? तो डाटा पैकेट जितने बड़े होंगे एक्सेस टाइम भी उतना ही ज़्यादा होगा, डाटा पैकेट्स छोटे होंगे उतना ही एक्सेस टाइम कम होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, थ्रोपुट ऑफ द नेटवर्क इज स्लो एज कंपेयर टू पैकेट स्विचिंग। इसमें जो प्रति इकाई में किया गया नेटवर्क पर कार्य होता है वो पैकेट स्विचिंग की अपेक्षा कम होता है, स्लो होता है। क्यों? क्योंकि आप मेरे को बताइए कि एक यूनिट मतलब एक समय में कोई बड़ा अमाउंट आपको करने के लिए दे दिया जाए, मैंने आपसे बोल दिया कि आप मेरे को 1 घंटे के अंदर इस पूरी बुक को रीडिंग करके बता दो, तो क्या होगा? आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो स्लो होगी उसको एक्सेस करने में। तो ऐसे इसमें क्या होता है, थ्रोपुट ऑफ द नेटवर्क इज स्लो, इसमें प्रति इकाई समय में किया गया कार्य स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि इसमें स्टोरेज अमाउंट ज्यादा होता है, किसकी अपेक्षा? पैकेट स्विचिंग की अपेक्षा। चलिए, थ्रोपुट ऑफ द नेटवर्क इज इम्प्रूव एज कंपेयर्ड एज मैसेज स्विचिंग, अर्थात इसमें जो हमारे थ्रोपुट में जो कार्य किए जाते हैं वो किसके रूप में होते हैं? पैकेट स्विचिंग के रूप में होती है। किसके रूप में होते हैं? पैकेट स्विचिंग के रूप में होते हैं। और पैकेट्स हमेशा कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और इनकी स्टोरेज एरिया भी अलग अलग रहती है, तो उसके आधार पर इनकी जो प्रोसेसिंग होती है थ्रूपुट में वो हमेशा नेटवर्क पर इम्प्रूव होती रहती है कंपेयर टू मैसेज स्विचिंग के द्वारा। क्लियर? ये हमारी मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के दोनों के डिफरेंस हो चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। अदरवाइज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं इसमें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। क्लियर? और फिर भी अगर आप एक भी इसमें से पॉइंट भूल जाते हो तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसी की भी डेफिनेशन में थे, अगर मैसेज स्विचिंग का भूलते हो तो मैसेज स्विचिंग की डेफिनेशन में से कोई पॉइंट उठा के इसमें रख दो, अगर पैकेट स्विचिंग में से भूलते हो तो पैकेट स्विचिंग में रख दो। लेकिन ध्यान रखना, आप ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट पूछ रहा है एक्सेस टाइम ऑफ डाटा पैकेट इज लार्ज, और यहाँ तुम इस वाले पॉइंट को लिख दो थर्ड की जगह, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज़ का विशेषकर याद रखें, क्योंकि हम सेम यूनिट्स में सेम वर्किंग प्रोसेस में कंपेयरिंग करते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट वाला पॉइंट नहीं आया, चलिए लास्ट वाले पॉइंट को हम समझा रहे हैं। लास्ट वाले पॉइंट में कुछ नहीं है, उसमें ये दिया गया है कि जो प्रति इकाई समय में किया गया काम होता है ना वो स्लो होता है। थ्रोपुट मतलब होता है प्रति यूनिट ऑफ द नेटवर्क, कि नेटवर्क की प्रत्येक यूनिट में जो किया गया काम होता है वो स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्टोरेज अमाउंट ज़्यादा होता है। स्टोरेज अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसकी वर्किंग प्रोसेस तो स्लो होनी ही होनी है। जैसे अभी मैं आपसे बोल दूं कि आप इतना सारा काम करो तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि तो एक साथ नहीं कर सकती, लेकिन जब आप उसके पार्ट बना के कर लोगे तो स्पीड हो जाएगी। तो वो चीज़ हमारे पार्ट वाली चीज़ इसमें आती है, तो इसमें पूरे काम को एक साथ करते हैं तो उसकी स्पीड हमेशा थ्रोपुट में किया गया कार्य स्लो होता है, और इसमें पैकेट बना के करते हैं तो उसका स्पीड जो होती है वो हमेशा इम्प्रूव होती रहती है, मैसेज स्विचिंग की अपेक्षा हमेशा इंक्रीज होती रहती है। क्लियर? सेम आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, और अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समय में ना आया करे आप तुरंत पूछ लिया करें, क्योंकि अगर आपको अभी समय में नहीं आया तो आगे चल के आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में फिर आप रटोगे, और हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर कोई चीज़ रटने को होती ही नहीं है।
अगर हमारे सही में आ गया तो मन से भी लिख सकते हैं। अगर कंप्यूटर में हम ये सारी चीज़ें रटेंगे तो फिर और सब्जेक्टों में हम क्या करेंगे? क्लियर? तो चलिए हम अपना आगे टॉपिक अपना देखते हैं, कौन सा टॉपिक है। और ये हमारी पैकेट स्विचिंग थी। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ए कंपेरिजन ऑफ सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। अभी हमने सीखा था मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस। अब हम कंपेयरिंग करेंगे सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में। क्लियर? आपको इसमें 7 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से आपको 5 पॉइंट याद करने हैं, क्योंकि पांच ही पॉइंट पूछे जाते हैं और पांच ही पॉइंट आते हैं। फिर भी आप 7ों पॉइंटों को याद कर लें, उससे क्या होगा अगर हम एक भी पॉइंट भूलते हैं या हमें याद नहीं आ रहा है तो उसकी जगह हम किसी दूसरे पॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम सीखने वाले हैं एक कंपेरिजन ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग को और पैकेट स्विचिंग को कंपेयरिंग करेंगे। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वो किसी भी चीज़ को कंपेयरिंग करवाता है, आप अपनी दोनों चीज़ों को इमेजिन किया करें कि सर ने हमें दोनों की डेफिनेशन में क्या क्या समझाया था, क्या क्या बताया था, तो आपको 50% पॉइंट वहीं से याद हो जाएंगे। और 50% पॉइंट वो होते हैं जो हमें अभी आगे टॉपिक में मिलती है। क्लियर? तो हमारा तो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार क्या होता है, आप कोई भी पॉइंट जो आपको कंपेयरिंग करना है उसको इमेजिन करो और उसको बारे में सोचा करो कि ये होता क्या है, क्या यूज़ समझाया था सर ने और उसका हम क्या यूज़ किस तरीके से करते हैं। क्लियर? तो चलिए हम करते हैं अपनी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का आपस में कंपेरिजन। पहला पॉइंट हमारा डेडिकेटेड कॉपर वायर। क्या हमारा सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड कॉपर वायर होता है? यस, क्योंकि जब हम टेलीफोन लाइन पर कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारे डिब्बे वाले बॉक्स होते हैं उनमें टेलीफोन वायर होता था और होता है। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, आपने अपने गली मोहल्लों में भी देखा होगा, अगर किसी के यहाँ वो टेलीफोन जो वायर वाला नीचे से अंडरग्राउंड होके आती है अगर लगा हुआ है, तो उसमें कॉपर के वायर से जो केबल कनेक्ट होगी वो कौन सी होगी? डेडिकेटेड केबल। वो उससे कनेक्ट होगा और तभी हम उससे कम्युनिकेशन कर पाते हैं। क्लियर? और इसमें नहीं होता। इसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें तो हम नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करते हैं और नेटवर्क पर डाटा हमेशा हमें दिखाई नहीं देते हैं कि डाटा किस तरीके से केबल में जा रहा है और किस तरीके से उसके पार्ट्स बनाए गए हैं। तो इसमें डेडिकेटेड वायर का यूज़ किया जाता है, इसमें डेडिकेटेड वायर का यूज़ नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है बैंडविड्थ अवेलेबल। अब बैंडविड्थ क्या होती है चलिए बताइए हमें कमेंट करके। अगर आपको नहीं मालूम है फिर हम समझाएंगे बैंडविड्थ क्या होती है। ऑल स्टूडेंट कमेंट प्लीज रिप्लाई फास्ट। बैंडविड्थ क्या होती है जल्दी से बताएं। नहीं पता? चलिए, और बैंडविड्थ क्या होती है जल्दी से बताएं। चलिए बैंडविड्थ देखते हैं क्या होती है। और अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो बताने में कोई हर्ज नहीं है कि नहीं पता, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है तभी तो हम सीख रहे हैं। तो बैंडविड्थ क्या होती है, जो हमारा नेटवर्क होता है ना, हम नेट चला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो नेटवर्क की स्पीड होती है डाटा को ट्रांसफ़र करने की, वो हमेशा कभी फिक्स रहती कभी बदलती रहती है। जैसे आप हमसे नेट से कनेक्ट हो तो नेटवर्क की स्पीड क्या हमेशा एक जैसी रहती है?
कभी फिक्स भी रहती है, कभी बदलती भी रहती है। तो बैंडविड्थ क्या होती है? नेटवर्क की स्पीड को मापने की इकाई। क्या होती है? एक इकाई होती है, एक यूनिट होती है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट की स्पीड को हम किस में मापते हैं? बैंडविड्थ में। इसके भी और भी पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसकी भी स्पीड को किस प्रकार डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए कि बैंडविड्थ क्या होती है, नेटवर्क की स्पीड को मापने की इकाई होती है, जो सर्किट स्विचिंग में क्या होती है, फिक्स रहती है, कभी बदलती नहीं है। जैसे टेलीफोन में जो आ रहा है वो उसी तरीके की स्पीड आएगी, उसमें कभी नहीं बदलती। लेकिन जो हमारी पैकेट स्विचिंग में होती है वो डायनेमिक होती है, नेटवर्क पर हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। क्या होती रहती है? नेटवर्क पर वो स्पीड हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है। तो पैकेट स्विचिंग में जो बैंडविड्थ होती है वो बदलती रहती है, और सर्किट स्विचिंग में फिक्स होती है। क्लियर? चलिए, पोटेंशियली वेस्टेड बैंडविड्थ। क्या पोटेंशियली वेस्टेड बैंडविड्थ होती है? सर्किट स्विचिंग में होती है, क्योंकि इसमें फिक्स होती है। जैसे हमें डाटा कम चाहिए, स्पीड ज़्यादा है, तो आधी स्पीड हमारी बेकार गई। अगर हमने जैसे थोड़ी देर के लिए उसको डाटा को सेंड किया, स्पीड ज़्यादा थी तो वो वेस्ट की। तो इसमें हमारी जो भी बैंडविड्थ होती है वो वेस्ट होती है। इसमें डाटा पैकेट इसके अनुसार चेंज होती रहती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर सीखा था डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है? कि वो बदलती रहती है। तो जितना डाटा होगा उतनी हमारी बैंडविड्थ अवेलेबल होगी। अब उतनी ही अवेलेबल होगी तो क्या इसमें हमारी बैंडविड्थ वेस्ट होगी? नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बैंडविड्थ को समझ लेते हैं हम, खाना। ठीक है, अब आपको खाना है 2 ब्रेड, हमने रख दिया आपके सामने 10 ब्रेड, और हर व्यक्ति को 10 ब्रेड ही देना है, मतलब 10 ब्रेड फिक्स हैं। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो 10 ब्रेड एक साथ एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो 2 ब्रेड खाएंगे, तो बाकी के जो 8 ब्रेड होंगे वो वेस्ट होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, वो यहाँ पर वेस्ट होंगी। और यहाँ पर क्या होता है? डायनेमिक होता है, हर व्यक्ति के अनुसार, हर पैकेट स्विचिंग के अनुसार चेंज होती रहती है। अर्थात जिस यूजर्स को जितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है हम उसको उतनी ही देते हैं। तो क्या बैंडविड्थ वो चेंज होगी हमारी, वेस्ट होगी? नहीं होगी। चलिए, हम उन दोनों पॉइंटों को समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सेकंड और थर्ड पॉइंट को दोबारा से समझ लेते हैं, क्योंकि प्रिया का छूट गया था, तो थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये क्या रिपीट करने की चीज़ आती ना, वो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट करती कि अपने पास जो टाइम होता है ना, वो फिक्स टाइम है इसमें 40 मिनट का। 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर डिस्कनेक्ट कर देता है। इसमें टाइम लिमिट फिक्स रहती है 40 मिनट की क्लास, उससे ज़्यादा अगर आपको लेनी तो दोबारा से क्लास स्टार्ट करनी पड़ती है। लेकिन हम उसको जल्दी से समझ लेते हैं, और अपने पास अभी 10 मिनट बची हैं इस क्लास को फिनिश होने में, और 10 मिनट में अपन इसको कवर कर लेंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट था बैंडविड्थ अवेलेबल। जो हमारी सर्किट स्विचिंग होती है उसकी बैंडविड्थ क्या थी? फिक्स थी। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा से जो डाटा के लिए बैंडविड्थ होती है वो एक जैसी मिलती है। कैसी मिलती है? एक जैसी मिलती है, लेकिन इसमें डाटा पैकेट्स के अनुसार चेंज होती रहती है, डायनेमिक होती है। जितने डाटा पैकेट्स को ज़रूरत होती है उतनी उसके लिए बैंडविड्थ अवेलेबल होती है। तो बैंडविड्थ पैकेट स्विचिंग में डायनेमिक होती है, अर्थात बदलती रहती है, और सर्किट स्विचिंग में फिक्स होती रहती है। फिर हमने सीखा था थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल वेस्टेड बैंडविड्थ। अर्थात जो पोटेंशियल वेस्टेड बैंडविड्थ होती है कि बैंडविड्थ हमारी वेस्ट किस में होती है? जो हमारी बैंडविड्थ है नेटवर्क की स्पीड को मापने की, वो वेस्ट किस में होती है? सर्किट स्विचिंग में वेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी यूजर्स होते हैं, जितने भी पैकेट्स होते हैं, उन सबके लिए बैंडविड्थ फिक्स मिलती है। इसमें प्रत्येक पैकेट्स के अनुसार चेंज होती रहती है, अर्थात बदलती रहती है। जितने पैकेट्स को बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है
उतनी ही बैंडविड्थ पैकेट स्विचिंग में उस पैकेट्स को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने भी आपको एग्जाम्पल दे के समझाया कि 10 ब्रेड का एग्जाम्पल लिया था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 10 ब्रेड दी जा रही हैं। कितनी? प्रत्येक व्यक्ति को 10 ब्रेड दी जा रही हैं। कुछ ऐसे भी यूजर्स होंगे जो 10 ब्रेड खा सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो केवल 2 ब्रेड खाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो केवल 5 ब्रेड खाएंगे। तो जो ब्रेड 10 से कम खा रहे हैं उनकी ब्रेड बेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। इसलिए इसमें हमारी बैंडविड्थ कैसी होती है? बेस्ट होती है, क्योंकि सबके लिए फिक्स रहती है। लेकिन इसमें क्या होती है? इसमें बेस्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पैकेट स्विचिंग के अनुसार प्रत्येक पैकेट को उतनी ही बैंडविड्थ दी जाती है जितनी उसको आवश्यकता है, जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी उसको नीडेड है। मींस अगर किसी भी व्यक्ति को 2 ब्रेड की आवश्यकता है तो हम उसको 2 देंगे, किसी को 4 ब्रेड की आवश्यकता है तो उसको हम 4 देंगे, ज़्यादा एक भी नहीं देंगे। तो इसमें बैंडविड्थ क्या होगी? वेस्टेड नहीं होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक किस किस पर आधारित थी? इसमें आपकी थी? नो, इसमें हमें जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा था, एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रहा था, दोनों आपस में कनेक्ट होकर कम्युनिकेशन कर रहे थे, जिसे हम बोलते हैं लाइव कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। क्लियर? लेकिन इसमें यस, मैसेज स्विचिंग में पैकेट स्विचिंग दोनों किस पर आधारित थे? स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक के सिद्धांत पर। ये पॉइंट मैंने आपको कल समझाया था कि मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों हमारे स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक पर आधारित होते हैं, और जो सर्किट स्विचिंग होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग पर, लाइव कम्युनिकेशन पर आधारित होता है। इज दैट क्लियर? चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं हम, सेटअप ऑफ एन एंड टू एंड पाथ। एंड टू एंड कनेक्शन किन के बीच में चल रहा था? केवल और केवल सर्किट स्विचिंग में रिक्वायर्ड था, क्योंकि इसमें हम डाटा तभी कम्युनिकेशन कर पा रहे थे जब दोनों की आपस में कनेक्टिविटी हो। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन, आप किसी भी पर्सन से तभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब आपका मोबाइल दूसरे व्यक्ति का मोबाइल आपस में कनेक्ट होगा, और कनेक्ट नहीं होगा तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो सेटअप ऑफ एंड टू एंड पाथ सर्किट स्विचिंग में कैसा होता है? रिक्वायर्ड होता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? नॉट नीडेड। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजता हूँ, अब मुझे मतलब नहीं है कि आप मेरे से कनेक्ट हो कि नहीं हो, मैंने तो आपको लिंक भेज दी और जब भी आप ऑनलाइन आएंगे आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। हमने तो आपको वीडियो भेज दिया, जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करेंगे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो इसमें कनेक्ट होने की आवश्यकता नहीं होती है, नॉट नीडेड। लेकिन हमारे सर्किट स्विचिंग में इसकी आवश्यकता होती है। इज दैट क्लियर? चलिए छठवां पॉइंट देखते हैं हम, ईच पैकेट्स फॉलो सेम रूट। इसमें जो हमारे पैकेट्स होते हैं उन सभी के लिए सेम बैंडविड्थ मिल रही थी। अब सेम मिलने का रीजन ही ये था कि उन सभी के लिए एक ही रूट होता है, और जब किसी के लिए एक ही रूट होता है तो सब एक ही रूट पर चलते हैं, जब सब एक ही रूट पर चलेंगे तो एक स्पीड से चलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अलग अलग हर पैकेट का अलग अलग रूट होता है, क्योंकि हर पैकेट पर उसका पैकेट नंबर, पैकेट साइज और पैकेट एड्रेस लिखा होता है, जो कि अलग अलग रूट के लिए होते हैं। तो सेम रूट किस में होते हैं? सर्किट स्विचिंग में। अलग अलग रूट किस में होते हैं? पैकेट स्विचिंग में। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हेन एन कंजक्शन ऑकर, जो हमारा सेटअप होता है वो एट सेटअप टाइम होता है, हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसी टाइम वो सेटअप कनेक्ट होता है, उसी टाइम वो सेटअप एक बनता है। लेकिन इसमें प्रत्येक पैकेट के अनुसार सेटअप जमता है, इसमें हर पैकेट का अपना एक सेटअप होता है, क्योंकि इसमें हर पैकेट का अपना एक एड्रेस होता है, क्योंकि इसमें हर पैकेट का अपना एक रूट होता है,
जो अभी हमने इससे ऊपर वाले पॉइंट में सीखा था कि हर पैकेट का अलग अलग रूट होता है और अलग अलग एड्रेस होता है, इसके कारण इनका सेटअप भी उसी टाइम बनता है जब पैकेट बनती है। तो ऑन एवरी पैकेट इसमें जब वो सेटअप हम बनाते हैं उसी टाइम वो सेटअप बनता है। इज दैट क्लियर? इस प्रकार हमारी सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस हो गया। इससे ऊपर हमने सीखा था मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस हो गया, और उससे ऊपर हमने सीखी थी अपनी तीनों प्रकार की स्विचिंग। स्विचिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इस प्रकार हमारा जो स्विचिंग का टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अभी हम आपको सारी कमेंट आपकी पढ़ के उस प्रॉब्लम्स को आपको दूर करेंगे। क्लियर? चलिए, आपके पास 30 सेकंड है अपनी प्रॉब्लम्स पूछने के लिए। जल्दी से बताएं अगर आपको कोई भी पॉइंट पूछना हो तो। स्विचिंग का कोई भी पॉइंट, स्विचिंग क्या थी, कितने प्रकार की थी, मैसेज स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। फिर हमने सीखा था मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस, उसके बाद सीख लिया सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है हमें, काफ़ी कुछ नए पॉइंट थे जो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। ओके, कोमल, आकृति, कोई डाउट? बहुत बढ़िया कोमल,